पिछले पार्ट में हमने देखा इस आदमी के पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो सपनों से खजाने को असली दुनिया में लेकर आ सकता है। अब ये सपने में एक म्यूजियम में जाता है और सबसे महंगी चीजों को ढूंढने लगता है, लेकिन इस बार वो राक्षस एक मशीन गन लेकर आ जाता है। वो गोलियों से बचने की कोशिश करता है और एक लंबी छलांग लगाकर दो एंटीक चीजों को पकड़ लेता है और कहता है आई एम ड्रीमिंग, और वो उन दोनों चीजों को अपने होटल के रूम में लाने में कामयाब हो जाता है। वो इन दोनों चीजों को लेकर प्रोफेशनल एंटीक डीलर के पास जाता है और उसे उन चीजों के बदले $2 मिलियन मिलते हैं। फिर वो अगले दिन सपने से बहुत सारी गोल्ड की चैन लेकर आता है और उसे बेचकर अपनी क्रश के कैफे को खरीद लेता है। फिर अगले दिन वो एक बैंक को लूटता है। अब वो इन चीजों में एक्सपर्ट हो चुका है, अपने दिमाग से ही सारी चीजों को सपने में कंट्रोल कर लेता है। अब राक्षस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। फिर अगले दिन सपने से एक लग्जरी गाड़ी को चुरा कर लाता है। कुछ दिन बाद वो अपने सपने में एक राक्षसी साधु को देखता है। वो उसका गोल्डन बेल्ट चुराने की कोशिश करता है लेकिन उसकी उंगलियां गायब होने लगती है, लेकिन फिर भी वो उसके सोने के बेल्ट को निकाल लेता है। जब वो बेल्ट निकाल रहा होता है तो वो साधु उसके सीने पर उंगली से कुछ करता है। फिर अगले दिन एक इनविजिबल तीर उसी जगह पर आकर लगती है और उसके सीने पर उस साधु की उंगलियों के निशान बन जाते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इस मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन के लिए कमेंट कीजिए।